प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए, ये रहा। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल डेली सफर। सो फ्रेंड्स, सोनी टीवी का रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति एकमात्र ऐसा शो है जिसमें जनरल नॉलेज के बेसिस पर आप करोड़पति बन सकते हैं, और इस शो ने बहुत से लोगों को करोड़पति बनाया है। इससे पहले शो के 14 सक्सेसफुल सीजन आ चुके हैं, और इस सीजन में सबसे पहली 1 करोड़ जीतने वाली महिला बनी 45 वर्ष की कविता चावला, जो कोल्हापुर की रहने वाली है। जी हाँ, कविता जैसे लोग के अंदर पढ़ाई का एक जज्बा होता है जो शायद वो बचपन में कहीं छोड़कर शादी को चुनती हैं। तब कोई फैसिलिटीज ही नहीं थी आगे पढ़ने की, तो कविता ने भी 12वीं करके शादी कर ली, बट उनका पढ़ाई को लेके जज्बा कम नहीं हो पाया। दरअसल कविता ने इस शो में आने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। जी हाँ, जब 2000 में इस शो की शुरुआत हुई थी तब से ही कविता शो के ऑडिशन देती रही, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। 2020 में दूसरी सीढ़ी तक तो पहुंच गई थी, बट कोविड की वजह से ऑडिशन ऑनलाइन हुए और इंटरव्यू का उन्हें कॉल नहीं आया। 2021 में 3 सीढ़ी तक बढ़ने के बाद वो फास्टेस्ट फिंगर तक पहुंच गई थी, लेकिन हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाई, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। कविता ने 2022 में फिर एक कोशिश की, और आज वो अमिताभ से 1 करोड़ की धनराशि ले रही हैं। अब कविता इन पैसों को अपने बेटे की स्टडीज में लगाना चाहती है, उसे अब्रॉड भेजना चाहती है। फिलहाल अभी 7.5 करोड़ के लिए खेलना बाकी रह गया है, जो कल होगा। तो इस बड़ी खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।